नमस्कार दोस्तों, आपको आज मेरा आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी के कौन से स्मार्टफोन्स पे मार्च 2020 में अपडेट्स आने वाले हैं और साथ में कौन से फीचर्स को लेके आएगा। तो फुल वीडियो को आप वॉच करो, आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ़ोन पे आने वाला है मार्च महीने का अपडेट रियलमी के तरफ से। सबसे पहले रियलमी 2, रियलमी C1, रियलमी 2 प्रो, रियलमी 3, रियलमी 3i और रियलमी C2, इन जितने भी डिवाइस के मैंने नाम बताए इनमें एक ही टाइप के अपडेट्स आने वाले हैं। मतलब जो फीचर्स है वो एक ही टाइप के आएंगे, लेकिन अब वर्जन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। सबसे पहले रियलमी 2 और C1 का जो वर्जन है वो होने वाला है A.64, रियलमी 2 प्रो का वर्जन होने वाला है C.27, रियलमी 3 और 3i का वर्जन होने वाला है A.26, रियलमी C2 का वर्जन होने वाला है A.24, लेकिन जो फीचर आपको मिलेगा वो एग्जैक्ट सेम होने वाला है। सबसे पहले एंड्रॉइड का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, जो कि होगा ऑब्वियसली मार्च के महीने का। साथ में स्वाइप फ्रॉम बोथ साइड वाले भी आपको जेस्टर्स मिलेंगे, जो कि यार काफ़ी टाइम से लोग इस फीचर का इंतजार कर रहे थे। तो वो फीचर अभी आपको मिल जाएगा मार्च के महीने पे इसी अपडेट के जरिए, स्वाइप फ्रॉम बोथ साइड वाले जेस्टर। साथ में वाईफाई कॉलिंग भी आपको मिल जाएगा इन्हीं स्मार्टफोन्स पे, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अगर आपके पास एक एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड होगा तो आप उस दोनों सिम कार्ड को यूज़ करते हुए वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा अपडेट होगा जो कि आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सारे डिवाइस पे जिनका मैंने अभी आपसे नाम बताया। फिर से एक बार बोल देता हूँ, रियलमी 2, रियलमी 7, रियलमी 2 प्रो, रियलमी 3, रियलमी 3i और रियलमी C2। इसके बाद दोस्तों जो रियलमी का 5 सीरीज है उनमें भी अपडेट आने वाला है इसी महीने मार्च के महीने में। जो रियलमी 5 और रियलमी 5s है इस पे आपको मिलेगा A.26 करके एक अपडेट और रियलमी 5i पे आपको मिलेगा A.17 करके एक अपडेट। लेकिन जो चेंज लॉग है वो एग्जैक्ट सेम होने वाला है। हाँ, थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम चेंज लॉग है वो तो सेम ही होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे भी आपको मिलेगा मार्च के महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, साथ में कैमरा इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं और कुछ नॉन बग को भी फिक्स किया जाएगा। तो एक बग फिक्स अपडेट होगा रियलमी 5 सीरीज के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलेगा इसी महीने मार्च के महीने में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले डिवाइस की, तो यहाँ पे जो रियलमी X2 और रियलमी X2 प्रो है इनमें आने वाला है मेजर अपडेट, जो कि होगा रियलमी UI बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 का। मुझे पता है यार काफ़ी सारे लोग वेट करते हो रियलमी के UI अपडेट्स के लिए। फिलहाल रियलमी 3 प्रो और XT को मिल चुका है जनवरी के महीने पे, फरवरी के महीने पे मिला रियलमी 5 प्रो और दोस्तों मार्च के अंदर आपको रियलमी X2 और X2 प्रो के अंदर रियलमी UI का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और फाइनली दोस्तों जो रिसेंटली लॉन्च डिवाइस था रियलमी C3, उस पर भी आपको मिलेगा मार्च के महीने का एक अपडेट। फिलहाल एक फरवरी का अपडेट रोल आउट हो रहा है A.03 या 02 करके कुछ वर्जन होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो अभी रोल आउट हो रहा है, बहुत ही कम लोगों को मिला है। लेकिन अब मार्च के महीने में भी एक अपडेट मिलेगा रियलमी C3 को, और रियलमी का जो X50 प्रो 5G वाला स्मार्टफोन है उस पर भी एक मार्च के महीने में अपडेट आने वाला है। और फाइनली दोस्तों जो रियलमी 5 प्रो और रियलमी X है इनमें फिलहाल जो रियलमी UI है वो रोल आउट होना चालू हो चुका है। आप सभी को पता होगा 5th मार्च को मैनुअली अपडेट आने वाला है और 15 मार्च तक 100% रोल आउट खत्म हो जाएगा। और जो रियलमी 5 प्रो और X के बग फिक्स वाला अपडेट है उसके बारे में मुझे नहीं पता, 3 प्रो और XT के बग फिक्स अपडेट के बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो यही थे कुछ डिवाइस जिनके अंदर मिलने वाला है मार्च के महीने का अपडेट, और इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।